नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर जानकार की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैसे सीड से। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीड का अक्टूबर वायदा आज भी 6000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 6100 के लेवल से सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पर है और आधे फीसदी की तेजी बन चुकी है। रूपा जी, आज आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से कैस्टर में एकदम से रिकवरी देखने को मिली है वीकली क्लोजिंग होते होते, तो क्या कैस्टर में क्लोजिंग अच्छी देखने को मिल पाएगी? 6200-6300 का लेवल क्लोजिंग तक आ पाएगा? देखिए, उम्मीद तो है अखिलेश, इसमें अभी तेजी बन सकती है। अभी बाजार ऊपरी सरों से सभी गिरते हुए दिखाई दिए थे और उसकी वजह से सभी एडिबल ऑयल पैक के ऊपर प्रेशर आया था, लेकिन वापस से बाजारों के अंदर रिकवरी आई है। और जहां तक कैस्टर की बात है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि 6200 का लेवल जो है हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। और वहीं अक्टूबर वायदा की बात करें तो अक्टूबर वायदा में आज इंट्राडे के अंदर भी तेजी बनती दिखाई दे रही है। 6120 से लेकर 6140 तक फिलहाल एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी, नज़र डालें अगर बिनौला खल की कीमतों के ऊपर, तो आपने पहले ही बता दिया था कि बिनौला खल में एक खरीदारी निकल सकती है, 2500 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 2500 का लेवल तो आज हमने देख लिया है, वो आपका टारगेट अचीव हो चुका है। रूपा जी, देख भी रहे हैं कि 2500 के लेवल पर कुछ दिन से सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिली है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बिनौला खल का वायदा बाजार 2500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। रूपा जी, अब आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या 2500 के बाद हफ्ते क्लोज होते होते क्या बिनौला खल 2600 का लेवल दिखा पाएगा या फिर 2600 का लेवल अगले सप्ताह देखने को मिलेगा? देखिए, बिनौला खल में अखिलेश अब यहाँ से रिकवरी मोड में आ चुका है करेक्शन के बाद, और अब यहाँ से बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि 2600 तक ऊपर जा सकता है। और मुझे लगता है कि 2600 से लेकर 2620 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के प्रोस्पेक्टिव से 2400 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल के ऊपर इसके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है जी। ये सर, रूपा जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि धनिया आज भी सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, और देख रहे हैं जीरा भी आज जीरे के अंदर भी करेक्शन है, और बात करें हल्दी की तो हल्दी भी टूटती हुई नज़र आ रही है। रूपा जी, फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं, तो आपको क्या लगता है फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद भी और एक्सपोर्ट डिमांड होने के बावजूद भी वायदा बाजार में मसालों में क्यों गिरावट देखने को मिल रही है? देखिए, अभी जो बाजारों के अंदर गिरावट आ रही है क्योंकि हाजिर मंडियों में बिकवाली जो है वो देखने को मिल रही है, मतलब खरीदार वहां से अभी मार्केट में नहीं आए हैं। और अभी पीछे जब प्राइसेस बहुत ज्यादा तेज हो गए थे तो वहां पर लोगों ने काफी बाइंग करी थी, तो अब गिरावट जो है इस गिरावट के अंदर फिलहाल कोई बाइंग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह से इंपैक्ट है, डिमांड भी अभी फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर कम देखने को मिल रही है। थोड़ा सा और करेक्शन आएगी तो उसके बाद जो है वहां पर एक बार डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है, पर ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि धनिया 8000 के ऊपर एक बार फिर से निकल सकता है, और अभी ये वाला हफ्ता हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिरावट वाला बना रहे। जिस तरीके से इस हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है, तो अभी धनिया के अंदर मुझे लगता है कि नीचे में 7600 का लेवल है और ऊपर में 7800, तो ये रेंज है 7600 से 7800 की। इसके ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो 8000 तक के स्तर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें हल्दी की, तो हल्दी के अंदर ऊपरी स्तरों से काफी गिरावट आ चुकी है। हल्दी 7200 के घरों में देखने को मिल रही है, तो यहीं पर ही इसका 7180-7200 के आसपास ही सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं से वापिस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है और आगे तेजी बन सकती है जी। रूपा जी, नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स अपने सपोर्ट लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आज भी सस्टेन होकर चल रहा है अपने सपोर्ट लेवल पर। रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह ग्वार के लिए अच्छा देखने को मिल पाएगा? क्या ग्वार गम 10000 के पार और ग्वार सीड 6000 के पार जाते हुए एक बार फिर से नजर आ पाएंगे? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ग्वार गम और ग्वार सीड में तेजी देखने को मिल सकती है। गम जो है वो 10000 के पार और सीड 6000 के पार जा सकती है। अभी फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी भी इन लेवल्स पर खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन छुटपुट खरीदारी है, बहुत ज्यादा एक्टिव ट्रेडर अभी फिलहाल नहीं हुए हैं। तो अभी उम्मीद तेजी की ही है क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, काफी ऊपरी लेवल पर सस्टेनेबिलिटी है मार्केट के अंदर। मुझे लगता है कि जल्द ही बाजारों के अंदर ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। रूपा जी, नज़र डालें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि आज यहाँ पे कुछ रिकवरी बनती हुई नज़र आई है। सरसों एक बार फिर से 8600 के ऊपर है, रिफाइंड सोया तेल 1300 के, और देख रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर भी 2.5% की तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है, सोयाबीन के अंदर भी रिकवरी आई है। रूपा जी, अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या वीकली क्लोजिंग होते होते सोयाबीन में जो गिरावट थी वो तेज़ी में बदल सकती है?
देखिए ओवरऑल एडिबल पैक जो है तेजी की तरफ ही, और सरसों मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ से सरसों 9000 के पार एक बार फिर से अक्टूबर वायदा जा सकता है, सरसों में बाई किया जा सकता है। सरसों के कंपैरिजन में सोयाबीन में उतनी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ एक बार फिर से निचले स्तरों पर रिकवरी जरूर आई है और आज 2.5% के आसपास बाजारों में तेजी भी है, सर्किट के पास है मार्केट। तो यहाँ पर जो सोयाबीन 6200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है और वहां पर क्लोजिंग आ जाती है तो क्लेश वापिस से तेजी की तरफ जा सकता है और ऊपर में 6500 के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आगे आने वाला अक्टूबर मंथ है उसमें तेजी का दौर जो है सभी एग्री कमोडिटीज में देखने को मिल सकता है, स्पेशली तेलों और मसालों के अंदर। तो अभी मुझे लगता है कि तेल आने वाले अगले 15 दिन बाद एक अच्छी रैली पकड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि सोयाबीन भी अगर 6200 के ऊपर सस्टेन होती है तो ये भी तेजी पकड़ सकती है, जो कि ऊपर में एक बार 6500 तक जा सकती है। तो फिलहाल के लिए निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज में फिलहाल मेरे को ग्वार काफी अच्छा लग रहा है, ग्वार के अंदर यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, ग्वार तेजी की तरफ जा सकता है। ग्वार के साथ साथ बिनोला खल अब उठता हुआ दिखाई दिया है, तो बिनोला खल में भी इन लेवल पर 100 रुपए की तेजी के लिए इसमें बाइंग करके चला जा सकता है, यानी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्टेड है कि इस वीक में भी 2600 तक के स्तर देखने को मिल जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार और बिनौला खल में खरीदारी करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जो लेवल्स रूपा जी ने दिए हैं आप उन लेवल्स को अचीव करने के लिए बिनौला खल और ग्वार में खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, नमस्कार।